चार फरवरी से 11 फरवरी के बीच बलिया में नामांकन होना है प्रत्याशियों के, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के, उसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग आदि किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के छठवें चरण में बलिया के कुल 7 सीटों पर चुनाव होना है 3 मार्च को, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खासतौर पर 10 मार्च को परिणाम आएगी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार किसकी होगी ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लोगों का दावा यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में आएगा, या सरकार रिपीट करेगी या सत्ता परिवर्तन होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बलिया के मतदाता खास तौर पर विकास के मुद्दे पर इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जिस तरीके से बैरिकेटिंग किया गया है, इसलिए किया गया है कि जो गाइडलाइन है आयोग की, चुनाव आयोग की, वो गाइडलाइन को पालन करना है। ये बैरिकेटिंग एक तरफ पब्लिक भी नहीं आ पाएगी, हालांकि इसके अंदर वही लोग आएंगे जो प्रस्तावक होंगे और खासतौर पर जो यहाँ के दावेदार यानी प्रत्याशी होंगे। ये जिला अधिकारी कार्यालय है कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ पे 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में नामांकन होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। नगर पालिका परिषद भी इस ग्राउंड को, इस परिसर को साफ सफाई करने में अपना पूरा प्रयास लगा रखा है। जिले के 7 विधानसभाओं में चुनाव होना है, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद की तरफ से ग्राउंड की सफाई चल रही है। आज 2 फरवरी है, 4 फरवरी से नामांकन होना है, उसको लेकर सारी तैयारियां खास तौर पर जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से की जा रही है।